ने भी हमारे घर में जो है हमें तिरंगा लहरा दिया। अब हमें निकलना है, इसके बाजू से जाए या ना जाए वो सोच रहे। यहाँ पे गाइस फॉग देखो, क्या नज़ारे है पहाड़ के। अब सरप्राइजिंगली दूसरा नज़ारा ये आप लोगों के सामने, ये काफ़ी ओल्ड ब्रिज बनाया हुआ है गाइस। एंड यहाँ पे देखो क्या व्यू दिख रहा है, क्या ही व्यू है यार, कत्ता है सर। ये देखा Hey guys, good morning and welcome back to my another vlog. So guys, आज तारीख है 13th of August and आप लोगों को पता होगा कि 15th of August को इंडिया का 75th फ्रीडम डे सेलिब्रेट होने जा रहा है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होने जा रहा है। सो इसे एक अमृत महोत्सव का नाम दिया हुआ है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक गाइडलाइन लॉन्च की हुई है, जिसके अंतर्गत आप जो है आपके घर में तिरंगा झंडा जो है उसे लहरा सकते हो एंड वो 3 दिन तक का रख सकते हो। सो गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आज जिसे तारीख है 13 को आप झंडा इस्टेब्लिश करते हो आपके घर में, तो आप उसे 15 को इवनिंग में 5 o'clock तक का उसे वैसे ही रख सकते हो। तो हमने भी हमारे घर में जो है यहाँ पे तिरंगा लहरा दिया है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है गाइस। जैसे ये थोड़ी सी हवा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है ना, तो ये राउंड राउंड हो जाता है, बट आप देख सकते हो ये तिरंगा झंडा जो है हमारे घर में लहरा दिया है हमने। एंड आज का प्लान मैं आप लोगों के साथ में सेलिब्रेट करूँ, तो आज हम लोग जो है वो एक हिल स्टेशन जा रहे हैं। मुंबई से आले फाटा जो लोकेशन आता है उसके बीच में एक मालशेत घाट करके लोकेशन आता है, उस मालशेत घाट के लोकेशन पे आज हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स गो गाइस, ब्लॉग में बने रहो एंड एंजॉय करते रहो। जय हिंद। देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है, ये एकदम ज़बरदस्त। एंड ये जो सीन लग रहा है ना बैकग्राउंड में, जो मेरे यहाँ पे छोटा सा लेक बना हुआ है ना, उसका सीन और भी ज़बरदस्त लग रहा है गाइस। चलो बने रहो ब्लॉग में, हम लोग निकलते हैं आगे। सो गाइस यहाँ पे हम लोग वड़ा पाव लेने के लिए रुके हैं, यहाँ पे भैया निकाल रहे गर्मा गर्म वड़ा। ये देखो एकदम गर्मा गर्म वड़े तले जा रहे हैं यहाँ पे। ये आ गए हमारे वड़े एंड वड़ा पाव ले लेंगे थोड़ा सा। हम है फिलहाल में वाजे वड़े पाव करके हैं, वड़े वाले वहाँ पे है मिसल एंड वड़ा पाव स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा फैन का स्टॉल है। चलो यार फटाफट वड़ा पाव लेते, पार्सल है सब हमारा, पार्सल लेते हैं और गाड़ी में चलते चलते खा लेंगे। भाई देख रहे हो, इनको थोड़ा सा समझाओ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। भाई थोड़ा सा ऐसा लुटक जाएगा ना तो बस किसी को तो खा जाएगा भाई पूरा। ये देखो अब हमें निकलना है, इसके बाजू से जाए या ना जाए वो सोच रहे। ओ भाई निकल लो, पतली गली मिली तो निकल लो। सो गाइस ये है पूना नासिक हाईवे, ठीक है। एंड यहाँ पे है आकाश मिश्र हाउस, आप देख सकते हो क्राउड, इतने गाड़ियाँ लगे हैं एंड अंदर लिटरली वेटिंग चल रहा है, ठीक है। हम लोग नंबर लगा के आए, अंदर का भी मैं आपको सीन थोड़ी ही देर में बता दूंगा। सो यहाँ पे बेसिकली डेडिकेटेड फॉर मिसल एंड थाली, ठीक है। साथ ही साथ में बाजू में भी इन्होंने लिया हुआ है एंड बाजू में भी और एक होटल उन्होंने स्टार्ट किया है जो कि मरा मिसल वगैरह के लिए है। एंड ये जो होटल है बहुत ही पुराना होटल है, 1972 से है। पहले बहुत छोटा, मतलब हार्डली 100 square feet का जो शॉप था वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है। एंड अभी फ़िलहाल में अगर देखोगे तो कम से कम तो भी 40,000 square feet 1 acre के रेंज में जो है इनका लैंड है। सामने पूरा पार्किंग एंड अंदर जो है वो होटल सेटअप किया है। अंदर का भी होटल बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है, बहुत बड़ा होटल है। मैं आपको अंदर का ओवरव्यू देता हूँ अभी। ये होटल इतना फुल फिलहाल में चल रहा है क्या, हम लोग वेटिंग में रुके हैं यहाँ पर।
वेटिंग में है, देखते हैं अब कब नंबर आता है हमारा। ठीक है गाइस, हमारे ऑर्डर आ चुके हैं। ये है मिसल विथ मटकी, ये रस्सा दिया हुआ है एंड ए पाव एंड और एक ऑर्डर है, वो तो आना बाकी है। आवाज़ बहुत सराउंडिंग आ रही रहेगी बिकॉज बहुत क्राउडेड होटल है गाइस, बहुत। सो गाइस, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आले फटा के पास। टाइम देखो 4:42। एक्चुअली हमें पहुंचना था मार्शेद घाट में 1 बजे, ऑलरेडी हम लोग अराउंड 3.5-4 घंटा स्लो चल रहे हैं एंड यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त है गाइस। वो देखो वहाँ पे पहाड़ देखो, दिख रहे पहाड़ के ऊपर सारे बादल जो है वो आए हुए एंड हमें जाना भी उसी साइड में है। मार्शेद घाट जो है वो यहाँ से लेफ्ट के डायरेक्शन में आता है गाइस। देखते हैं यार कितने बजे तक पहुँचते, बट आज किसी भी हालत में हमें पहुँचना ज़रूरी है। सो फाइनली गाइस, ये जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं आप लोगों को, ये मार्शेद के पहाड़ से एंड अभी हम पहुँच रहे हैं। आई थिंक और एक 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। टाइम देखो 5:19 हो रहा है। सुबह को 11 बजे से हम लोग इधर आने के लिए निकले, पूना से अराउंड 125 किलोमीटर के रेंज में डिस्टेंस है, बट 125 किलोमीटर डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए इतना टाइम लग चुका है कि अभी क्या ही घूमेंगे यार यहाँ पे। देखते हैं अभी क्या सीनेरियो होता है यहाँ पे, सीन्स वगैरह कुछ अच्छे अच्छे शूट कर लेंगे आप लोगों के लिए, थोड़ी सी मेहनत उठा लेंगे, थोड़ी सी पानी के मज़े ले लेंगे और निकल लेंगे घंटा दो घंटा वेट करके। ये गाइस राइट साइड में देखो आपको डैम का ये बैक वाटर दिखाई देगा, और ज़बरदस्त पानी एकदम क्लीन दिख रहा है। आई थिंक सो यही से पानी जो है आगे जितने भी विलेजेस है वहाँ पे सप्लाई होता रहेगा। एकदम ज़बरदस्त लेवल पे क्लीन पानी दिख रहा है एंड सामने पहाड़ी देखो, यहाँ पे भी देखो फुल वाइड एंगल एक्टिवेट किया हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी भी मिलेगा एंड एक वाइड सा ऐसा व्यू भी दिखाई देगा आप लोगों को। सो ये गाइस, आप लोगों को यहाँ पे रिवर दिखाई देगा, इसके ऊपर से हम लोग क्रॉस यहाँ पे कर रहे हैं एंड यहीं से आगे जो ये आपको लेफ्ट साइड में पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के पास उधर से कहीं से तो मार्शेद घाट जो है वो स्टार्ट होता है। अभी हमें भी कुछ कंफर्म पता नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोग विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा जल्दी पहुँच जावे इतना ही है। व्यूज़ तो बहुत ज़बरदस्त दे रहे थे आप लोगों के लिए, बट सीन ऐसा हो गया कि बहुत हेवी बारिश चालू हो गई है। हम कार के अंदर से जो है आप लोगों को कुछ व्यूज़ देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे राइट में जो है वो MTTC का रिजॉर्ट है ना, पूरा देख सकते हो, पूरा फॉग आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे। यहाँ पे गाइस फॉग देखो, क्या नज़ारे है पहाड़ के, सब
जबरदस्त नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ पर। पहाड़ के ऊपर से लिटरली फॉग जो है वो ट्रैवल कर रहा है, धीरे 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 मूव होते हुए दिखाई देगा आपको। गाइस मेरा माइक जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है, बारिश का पानी चला गया उसमें, बट मैं आप लोगों को यहाँ के व्यू बताता हूँ। ये देखो पूरा फॉग ही फॉग आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ से हम लोग आए हुए हैं, ये टूवर्ड्स पूना साइड है एंड ये टूवर्ड्स कल्याण साइड है जहाँ से पब्लिक आती है, और यहाँ पे ये वाटरफॉल आप लोगों को दिखाई देगा। गाइस आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही रहेगी, बट जितना हो सके उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैक्सिमम जो है उसे कवर कर पाऊँ। ये देखो यहाँ पे भी वाटरफॉल आप लोगों को दिखाई देगा पूरा ऊपर से, एंड यहाँ पे पूरी क्राउड है। आज सैटरडे है तो थोड़ा सा कम क्राउड है, बट डेफिनेटली कल संडे रहेगा तो संडे में और भी तगड़ा क्राउड यहाँ पे हमें देखने मिलेगा। ये देखो पूरा ऊपर से पानी आ रहा है ना, यहाँ से स्टेयर्स बनाए हुए हैं ऊपर जाने के लिए, पूरे स्टेयर्स जो है यहाँ पर बनाए हुए। यहाँ पे देखो बच्चे लोग पूरा पानी में जो है वो इंजॉय करते हुए। बहुत ही हेवी पानी आ रहा है। ये गाइस थोड़ा सा व्यू आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर आया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से वाटरफॉल आ रहा है, यहाँ पर टर्निंग है एंड ये ऊपर से देखो क्या ऑसम व्यू दिख रहा है। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन महाराष्ट्र गाइस, मार्शियत घाट, बहुत ज़बरदस्त घाट है गाइस, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। तो हम चढ़ते हैं थोड़ा सा स्टेयर से ऊपर, और ऊपर जाके आप लोगों को कुछ अच्छे व्यूज जो है वो मैं शेयर करता हूँ। ये बच्चे लोग भी देखो ऊपर से नीचे उतर रहे, एंड ये ऊपर से एंगल आप लोगों को यहाँ पे देखो पूरा क्राउड, एंड यहाँ पे और एक वाटरफॉल है। ये देखो ऑसम सा वाटरफॉल, मज़ा आ गया, पब्लिक यहाँ पे एंजॉय करते हुए पूरे। ये यहीं से जो पानी है वो नीचे जा रहा था। चलो गाइस इस पॉइंट पे तो हम लोग ने बहुत शूट कवर अप किया, एंड मैं कुछ भी नहीं लेकर आया था, देखो मेरे पैर वगैरह टोटली भीग चुके हैं। ओह हो ज़बरदस्त यहाँ पे सीन था। नाउ हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टाइम तो बहुत कम बचा है, जितना जल्द से जल्द हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरिया हमें कैप्चर करना है। गाइस हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, हम लोग अब जा रहे हैं सेकेंड स्पॉट पे। टाइम हो रहा है 6:19, देखते हैं यार, ऑलरेडी बहुत अंधेरा तो होते जा रहा है, बट पता नहीं, देखते हैं अगले स्पॉट पे कुछ मिलता है क्या हमें। तो गाइस ये हमारी वाइट बेस्ट, एंड आपको अब कुछ ऑसम से नज़ारे में शेयर करने जा रहा हूँ, एंड वो नज़ारे है ये। क्या नज़ारा है ना गाइस, पूरा पूरा फॉग, पूरा फॉग 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 यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा। ये दिख रहा है, एंड ये हेवी रिस्की एरिया है, ऊपर देख रहे रहेंगे आप, ये जो मेश लगे हुए ना वो हाई टेंशन वाले मेश लगे हुए, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत खतरनाक होती रहती है। और एक सामने भी आपको मेश देखने मिलेंगे, और ये पहाड़ के नीचे से रोड बनाया हुआ है। इससे पहले छोटा सा मैंने एक सनरूफ में से भी शॉट लिया हुआ था। मोबाइल वोबाइल लेके भाग जाएंगे। ये देखो ये सामने, और ये वाटरफॉल्स आप लोगों को देखने मिल रहा है, दिख रहे वाटरफॉल्स,
छोटे 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 हर जगह पे आपको जो है यहाँ पे वाटरफॉल्स देखने मिलेगी। बहुत ही ऑसम प्लेस है गाइस, बहुत ही ऑसम प्लेस है। अगर आप लोग महाराष्ट्र में विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली एक बार जो है वो इस लोकेशन पर विजिट करना। सो गाइस, अब हमने वाइट बीस्ट को यहाँ पे पार्किंग में पार्क कर दिया है एंड थोड़ा सा जाते मौसम में यहाँ का भी आपको सीन थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो फॉग, देखो कितना, मतलब इतना ज़्यादा फॉग है कि नीचे का पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा कैमरे में जैसे ISO वगैरह का जो इफेक्ट्स रहता है इस वजह से आपको क्लियर आइडिया आ रही रहेगी, बट रेस्ट ऑफ थिंग यहाँ पे कुछ भी आपको क्लियर दिखाई नहीं देगी। जब मैं ड्राइव करके इस तरफ आ रहा था ना, हार्डली मैं बोलता आपको 10-20 feet, 20-30 feet के ऊपर भी विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी गाइस, इतना हेवी फॉग था। अभी फ़िलहाल मैं बज रहे शाम के लगभग 7:10 के रेंज में हो रहा है। यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स वगैरह आप लोगों को देखने मिलेंगे, तो फटाक से जाते हैं यहाँ पे, कुछ चाय नाश्ता करते एंड निकलते हैं आगे। सो गाइस, एक फ़ोटो पॉइंट टाइप बनाया हुआ है एंड देखो फॉग यहाँ पे, इतना ज़बरदस्त फॉग चल रहा है यहाँ पे। अब हम जाएंगे वो सामने के पॉइंट पे, अब शायद से कैमरे के ISO में क्लियर दिख रहा रहेगा, वो जो सामने का जो पॉइंट है वहाँ तक हम लोग जो है जाएंगे एंड वहाँ से थोड़ा सा शूट कर देंगे। देखो गजब गजब एकदम गजब दिख रहा है। सो अब हम जाते हैं स्टेयर से उस पॉइंट की तरफ, राइट साइड में डीप देखो गाइस, कितना डीप है, ये देखो कितना डीप है, वाइट वाइट वाटर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत डीप है। मैंने मोबाइल को बहुत बाहर निकाला, फ़ोटो निकाला, एक मिनट, हमारे पास स्टिक भी है, थोड़ा सा इसको लंबा करके आप लोगों को व्यू देता हूँ। बहुत डीप है गाइस, बहुत डीप। अब हम चलते आगे, फटाफट मैं आप लोगों को आगे का शूट बताता हूँ बिकॉज बहुत लेट हो रहा है, हमें भी अब रिटर्न पुणे को जाने के लिए निकलना है। 125 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से पुणे, बट आज जो ट्रैफिक थी और ट्रैफिक की वजह से आज इतना ज़्यादा टाइम लग गया। ये देखो जैसे कि एक लेयर जो है वो आप लोगों को खुद के तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देगी। ये देखो क्या फॉग दिख रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि आज जब इस खोलने के बाद में फॉग ही फॉग फिर से बाहर निकलता है ना, उस टाइप में। ये देखो यहाँ पे सारे स्टॉल्स वगैरह हैं एंड ये वो घाट है जहाँ से हम लोग आए हैं अभी एंड आगे और चलते हैं। क्या सीन है, आप लोग शायद से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बहुत खराब आ रही है बिकॉज मैंने आपको ये बताया माइक के अंदर यह बारिश का पानी चला गया, इसलिए माइक जो है मेरा ऑपरेशनल नहीं है फिलहाल में, तो विदाउट माइक जो है वो मैं पूरा शूट कर रहा हूँ। यार कड़ी मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितना हो सके उतना आपके फैमिली फ्रेंड्स लोगों के साथ में ये ब्लॉग तो ज़रूर शेयर करना। ब्लॉग थोड़ा सा आज का बड़ा होगा बट जितना हो सके उतना मैक्सिमम एरिया मैंने कवर करने की कोशिश किया है यहाँ पर गाइस। अब सरप्राइजिंगली दूसरा नज़ारा ये आप लोगों के सामने, काफ़ी ओल्ड ब्रिज बनाया हुआ है गाइस एंड यहाँ पे देखो क्या व्यू दिख रहा है, क्या ही व्यू है यार, कहता है ये देखा। सो गाइस, ये हम लोग आ चुके हैं बजरंग मसाला दूध सेंटर, ये नारायणगांव बस स्टॉप के एग्जैक्टली अपोजिट में आता है, ज़बरदस्त दूध मिलता है गाइस इनका। दोपहर से ये कंटिन्यूसली ये बड़ी जो कढ़ाई दिख रही है ना,
इसमें दूध जो है वो कंटिन्यूसली बॉयल होते रहता है। एंड ये हमने लिया है मिल्क, ज़बरदस्त। गाइस रात के डिनर पे अगेन हम लोग सेम होटल पे आए, एंड जो मैंने आप लोगों को बताया था सेकंड वाला जो होटल है बाजू वाला, तो ये थाली स्पेशल वाला होटल है, वहाँ पे आए। हमने ऑर्डर किया है मेथी, लहसुनी मेथी एंड भिंडी मसाला। मसाला पापड़ तो हमारा आधा खा के हो गया, एंड ये सबसे बेस्ट आइटम दाल तड़का। टेस्टी है गाइस, एकदम ऑसम, मज़ा आ रहा है खाने में। ये देखो क्या क्रंची क्रंची तंदूर रोटी है, एकदम सॉफ्ट, प्लस लहसुन दिखेगा आपको इसमें, अक्खा का अक्खा लहसुन इसमें डाला हुआ है। एंड टेस्टी, एकदम एकदम ज़बरदस्त टेस्टी बनाया हुआ। चलो फटाफट अब डिनर करते हैं और निकलते हैं आगे। सो गाइस फ़िलहाल में टाइम हो रहा है 10:59, अराउंड 11 o'clock। अभी हम लोग निकले हैं जस्ट डिनर कंप्लीट करके, शायद से रात को 1 बजे तक तो डेफिनेटली घर पे पहुंच जाना चाहिए, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। टर्म्स एंड कंडीशंस वाला स्टार एप्लीकेबल है यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं। चलो ब्लॉग तो कंटिन्यू है, जाते थे और कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो बता देंगे आप लोगों को। दोस्तों फ़िलहाल में टाइम हो रहा है 12:05, एंड हम घूम रहे हैं फ़िलहाल में डेक्कन एरिया के पास में। यहाँ से भी मेरा जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वो लोकेशन अराउंड 15-17 kilometers का डिस्टेंस है। सो क्या ही करें गाइस, क्या ही करें, अब जाना है तो जाना ही है, घर पे जाके सो जाएंगे। मॉर्निंग से तो निकले, एंड एक्चुअली उधर वाला जो रूट है, जिस रूट से हम लोग मॉर्निंग में गए थे वाकड़ वाला रूट, उस रूट पे अराउंड 25 मिनट का जो है वो जाम बता रहा था। पता नहीं इतना क्यों जाम चल रहा है आज, डोंट नो। सो मैंने जो है रूट इधर वाला सिलेक्ट कर लिया, एंड अब यहाँ से मूव होते हुए फटाफट घर पे पहुँचा।